दिल्ली इस वक्त पानी में डूबती हुई दिख रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के लाल किले की इमारत के ठीक पिछले हिस्से में, और यहाँ पर लाल किले के पिछले हिस्से में यमुना का पानी भरना शुरू हो गया है। लगातार दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा था। निचले हिस्से इस वक्त पूरी तरह से दिल्ली के डूब गए, और ये जिस जगह इस वक्त मैं और मेरी टीम, मेरे कैमरा पर्सन रोहित मौजूद है, यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है। ये समझ लीजिए हमारे घुटनों से ऊपर इस वक्त पानी जो है वो बह रहा है। यहाँ पर हम आए हैं ये तस्वीर दिखाने के लिए कि लाल किले का पिछला हिस्सा पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। लगातार पानी यहाँ पर बढ़ रहा है। रेलवे लाइन, ओल्ड रेलवे लाइन जो है वो इस वक्त देखी जा सकती है। ये पुरानी दिल्ली से रेलवे लाइन जो आती है, पुरानी रेलवे लाइन वो यहाँ पर है, और इसी जगह जहाँ से गाड़ियाँ सामने आईटीओ की तरफ से आती हैं और सीधे कश्मीरी गेट जाती हैं, यह हिस्सा इस वक्त पानी पानी हो गया है, और इस हिस्से को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही इस हिस्से पे बंद कर दी गई है। लगातार हर घंटे यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, और साथ ही साथ दिल्ली की सड़कों पर पानी भर रहा है। लगातार दिल्ली पानी में डूबती जा रही है, हालात खराब हो रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मध्य आईबीपी न्यूज़ दिल्ली।